बिल्कुल ठीक है, आप जैसा भी चाहें करें, समीना से तारीख तय करके मुझे बता दीजिए। नहीं शौकत भाई, और भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो तय करने बाकी हैं। अब मैं थक चुकी हूँ काम कर करके, आराम करना चाहती हूँ। भाभी आप आराम करें, काम तो मैं कर ही रहा हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि अब बिजनेस का सारा बोझ अली के कंधों पर डाल दूँ। आप ही कब तक ये बोझ उठाएंगे? मैंने वकील से कहा है कि वो शरई तौर पर सारा बिजनेस अली और सलीना के नाम कर दे। भाभी अली का रुझान नहीं है, वो कहीं अपने बाप की तरह। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चले। आप तो जानते हैं ना भाई कि उसके बाप ने सारी जिंदगी क्या हासिल किया। शादी की तारीख तय करके मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखा देखा भाभी क्या करने जा रही है। दिन रात एक कर दिए मैंने इनका बिजनेस और जागीर संभालते संभालते, और अब सब कुछ अली को सौंप रही है। काम तो हमारे बच्चों की आएगा ना, अली के नाम पर होगा तो आमना में भी एतमाद और गुरूर पैदा होगा। वो अली को सौंप नहीं रही, मुझसे छीन रही है। शुक्र है आपको होश तो आया, लेकिन अब लकीर पीटने का क्या फायदा, सांप तो आपकी लाठी से बच के निकल गया। अरे अली तुम यहाँ हो बेटा, आज बहुत देर तक सोते रहे, सब नाश्ते की टेबल पे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने सबसे कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मामा प्लीज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत डालें मुझ पर, मैं पढ़ना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ। तो करो, किसने मना किया, मैंने तो शौकत भाई से भी कह दिया। प्लीज देखो अली, मुझे मेरी जिम्मेदारियों से तस्बरदार होने दो। रही बात आगे पढ़ने की, PhD करने की, तो वो तुम्हारा शौक है, उसे तुम किस तरह मैनेज करते हो ये तुम जानो। फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। इसलिए मैंने वकील से कहा है कि वो शरई तौर पर सारा बिजनेस अली और सलीना के नाम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जिस दौलत के लिए मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी है, उसे मैं अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा, भाभी सब अपनी औलाद के नाम नहीं कर सकते, हेलो अली, तुम फौरन लेदर फैक्ट्री पहुंचो। हाँ एक जरूरी काम है, सुनो घर में किसी को पता ना चले कि तुम्हें मैंने फोन करके बुलाया। ओके दौलत की राह में अली भी आया तो जान से जाएगा।
भाभी आपने बुलाया? हाँ भाभी, वो मैं ये कह रही थी आपसे कि अक्टूबर की 10 तारीख कैसी रहेगी शादी के लिए? बिल्कुल ठीक, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर शादी की तारीख तो तय हो गई, लेकिन इसका ऐलान हम अभी इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि घर में एक छोटी सी शाम को पार्टी रखते, फिर बकायदा ऐलान करेंगे ताकि रिवायत भी कायम रहे। बिल्कुल ठीक है भाभी, मैं सब इंतज़ाम भी कर लेती हूँ और शौकत और बच्चों को फ़ोन भी कर देती हूँ ताकि शाम को जल्दी घर आ जाए। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे लिए आसानी भी। ठीक है भाभी। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 हाँ बेटा, बिला शुबा तुम अपनी माँ और बाप की जायदाद, बिजनेस और जमीन के वारिस हो, लेकिन लेकिन बेटा तुम्हारी अभी तालीम पूरी नहीं हुई और तुम्हारे बाप के वो ख्वाब नहीं पूरे हुए जो तुम्हारी मामा की जिद की वजह से अधूरे रह गए थे। मामा की जिद? हाँ बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारी मामा को तुम्हारे बाप की तालीम हासिल करने और प्रोफेसर बनने से सख्त नफरत थी, इसी वजह से उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिला। जितनी भी उम्र उन्होंने गुजारी ना, हॉस्टल में गुजारी, जब भी वो घर आता उसी बात पर झगड़ा होता। तुम्हारा बाप अमन पसंद आदमी था। लेकिन अंकल, मामा मुझे पढ़ने से तो मना नहीं कर रही हैं, बट आई नो कि बिजनेस के झमेलों में पढ़कर मैं पढ़ नहीं सकूंगा। हाँ बेटा, देखो इसी तरीके से तुम्हारी मामा तुम्हें पढ़ाई से रोक रही है। देखो जैसा भी होगा मैं बिजनेस को संभालूंगा, लेकिन तुमने PhD जरूर कर ली है ताकि तुम्हारे मजलूम बाप की रूह को करार आ सके। मरते वक्त उसने मुझसे बात लिया था कि तुम उसके वादे को जरूर पूरा करोगे, तुम्हें मुझसे बात करना होगा। जी अंकल, मैं वादा करता हूं कि अपने पापा के ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। जीत रहो बेटा, जीत रहो, आज तुम्हारे बाप की रूह को करार आ गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारी अमानत समझ के रखूंगा। तुम्हारे लिए कॉफी का ऑर्डर करता हूँ, हमारा कुक बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। या श्योर। आज तो मान लो कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं। माँ बेटे के बीच में जो मुकाबला होगा उसको तुम खूब इंजॉय करना। आपने तो खामखा ही झगड़ा करवा दिया। अली को जो कुछ मिलेगा आमना का ही होगा। अरे बेवकूफ हो तुम, बेटियां पराई होती हैं, अली की दौलत पे ऐश करेगी, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। भाभी ना मानी तो फिर मैं शादी से इनकार कर दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? इसका अंजाम क्या होगा आपको पता है? आमना अली को बेहद चाहती है। और मैं भी आमना को दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ। फिर भी बेटी की खुशियां छीन लेंगे आप? भाभी ना माने तो बेटी को बेवा होने से बचाने के लिए बेहतर होगा कि उसकी खुशियां छीन ली जाए। जनाब को शादी का कितना शौक है, तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं हो रही। जनाब सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, शादी की तारीख तय हो रही है। और खुद को देखा है? लग रहा है आज ही दुल्हन बन गई हो। So you are looking gorgeous. बुलवाऊं काजी को? जल्दबाजी नुकसानदेह होती है। अब आप तो ये नुकसान सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। सब आ गए? हाँ, बस दूसरे जोड़े का इंतजार है। कमाल भाई का शूट चल रहा है ना, उनको फोन करना होगा। कर दिया है, वो पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी करो।
ठीक है वकील साहब, मैं अली और सलीना से साइन करवा लूँगी, बल्कि मैं अपनी भी साइन करवा कर आपको ये फाइल भिजवा दूँगी। बस आप एक काम और कर दीजिए, वो स्कीम 33 वाली हमारी जो कोठी है उसे खाली करवाइए, ताकि मैं मैनेजर से कह के उसे डेकोरेट करवाना शुरू करूँ। ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ। ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉकशॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और